करिए और अभी न्यूज़पेपर या मीडिया के माध्यम से कल तक अखबारों में भी आ जाएगा कि किसी तरह का सरकार की तरफ से कोई बैन नहीं है। बहुत से लोग फोन करते हैं ये डीजे बंद है, क्या करना चाहिए? डीजे किसी भी तरह का बंद नहीं है। जिस तरह वैवाहिक समारोह चल रहे हैं, हलवाई कोई परमिशन लेके थोड़ी आ रहा है, वो आता है खाना बनाता चला जाता है। हमारी गिनती भी उसी कर्मचारियों में है, हम भी डीजे वाले हैं। ये कोशिश करो कि कम से कम डीजे वाले वहां रहे। होता है डीजे पे 5 से 7 चने 10 चने चले जाते हैं, तो कोशिश करें जितनी जरूरत है उतने ही लोग जाएं और छोटे सेटअप रखें। बड़े सेटअप में ज्यादा भीड़ ज्यादा की समस्या है, जब तक उसकी परमिशन ना हो तब तक ना करें। और किसी भी तरह से कोई सरकार की तरफ से बैन नहीं है, ये बात आप सब अपनी क्लियर रखें। यदि कोई आपसे कहता है कि जी सरकार ने बैन लगाया, बैन नहीं है, केवल गाइडलाइन जारी नहीं है। ये जो भ्रमता फैल रही है ना कि बैन लग गया, बंद हो गया डीजे, डीजे कहीं से कहीं तक किसी का बंद नहीं है। ना सरकार ने कभी कहा कि डीजे बंद है, सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है। और ये भ्रम भी है कि देखो मंडप वाला चाहता है कम से कम में काम हो जाए, पैसे तो उसे उतने ही मिलने, डीजे वाले को नहीं देने। वो तो कहते हैं जी डीजे बंद है, उसको 5,000 रुपए फिर भी मिलेंगे अपने अपने। तो ये सब भ्रम करके कमाने की साजिश है, बाकी कुछ नहीं है। डीजे बजाओ, गाइडलाइन के अनुसार बजाओ। अभी तो एक दो दिन में गाइडलाइन आ जाएगी, उसके हिसाब से आप बजा सकते हैं। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है और सबसे यही प्रार्थना है कि जो जो अपने अलग अलग खेल से बंदे आए हुए, जो मुख्य रूप से जैसे कि नूरनगर से हमारे अनिल भाई आए हुए हैं, ठीक है, और भी व्यक्ति हैं जैसे हमारे कसौली से अजय भाई आए हुए हैं और मेडिकल से हमारे संदीप भाई भी हैं, और भी काफी लोग आए हुए हैं, संदीप भाई हैं शास्त्री नगर से और पिछार से हमारे सोनू भाई आए हुए हैं लक्ष्य डीजे से। तो मैं हर क्षेत्र में जो भी मुख्य रूप से जो जो लोग आए हुए हैं, क्योंकि इनके नीचे वो भी डीजे वाले हैं जो छोटे, जो आपकी बात मान सकते हैं, उनको नियम अनुसार सबसे बोलो कि डीजे का हम पकड़े, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, बट नियम अनुसार अगर आप जब लोग जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये महामारी जो चल रही है वो तो अभी चलती रहेगी, उसके अनुसार भी प्रॉपर मास्क सैनिटाइजर इसके साथ में प्रॉपर अपना जो है लिखित रूप में अपना लेबर को भेजेंगे। और जैसे देखो अब जगह जगह सभी की समस्या यही आ रही है कि हाँ यार बीच में टाटा पकड़ी जा रही है, पुलिस प्रशासन परेशान करता है, तो ये तो रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रहता ही है सब चीज़ का प्लान, इसमें अभी थोड़ी सी टाइम तो लगेगा इसको कवर करने में, लेकिन फिलहाल अपना काम पकड़ने के लिए नवंबर दिसंबर में आप इस चीज के लिए आप इस भय को खत्म कर दो, काम पकड़ना चालू कर दो। हम सब लोग एक हैं, बिल्कुल सपोर्ट किया जाएगा, एक दूसरे को हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन हम सपोर्ट उसको नहीं करेंगे जो हमारी एसोसिएशन में जुड़ा हुआ नहीं है, हम सपोर्ट उसी को करेंगे जो हमारी एसोसिएशन में जुड़ा हुआ होगा। आज लिखित रूप में हमने लिख के तो दे दिया कि 3500 लोग परिवार है, भाई कितने लोग हैं? कुछ भी नहीं है, हमारा ज्ञापन जा चुका है, कोई उपस्थित नहीं है, फिर भी मैं इस चीज के लिए कर दे रहा हूँ। एकता वाली बात अभी भी नहीं है, काम हमारा तुम्हारा नहीं, काम सबका चलेगा जब चलेगा, तो सबकी थिंकिंग यही है कि आप जब इनका चलेगा तो हमारा अपने आप चल जाना है, तो उनकी थिंकिंग यही बोल देना जो यहाँ आज उपस्थित नहीं है, कल को हमारे साथ जो भी जुड़ा हुआ नहीं होगा तब उसके साथ खड़े भी नहीं होंगे, चाहे उसके साथ पुलिस कार्रवाई करे, उसका झगड़ा प्रसाद हो, उसकी पेमेंट मरे, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, हम कहीं भी उसके साथ हम कहीं पर भी सपोर्ट नहीं करने उसकी।